नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। मैं सुरेश कोट ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज ये रीडिंग जो कर रही है वो एक जनरल रीडिंग है। जनरल होने के कारण मैं छो भी सकती है नहीं भी हो सकती। ये 24 से लेकर 31 मार्च तक वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी, यानी कि संडे टू संडे कह सकते हैं। इसमें हम 3 मोनोलॉजी के कार्ड लेंगे जिसमें आपके लिए यूनिवर्स मैसेज होंगे। फिर इसके ये सप्ताह कैसा रहेगा वो भी बताएंगे आपको, और लास्ट में एंजल आंसर्स आपके लिए होंगे। जो आप सोच रहे हैं क्या वो आपके साथ वो कितना मैच होते हैं वो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देख लेते हैं मोनोलॉजी के कार्ड्स लेते हैं आपके लिए। तो नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। जो स्थिति जो पोजीशन आपकी चल रही है उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। उसको उसमें आपको सुधार करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा। और इसके लिए इम्प्रूव करने के लिए सुधार करने के लिए आपको हीलिंग मेडिटेशन रिक्वायर्ड है, ये ज़रूर करनी पड़ेगी। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। तो अपने आप को हील कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, ब्रीदिंग कीजिए ताकि कंफ्यूजन परेशानी आपकी ख़त्म हो सके। और जो समय आपका चल रहा है यानी कि कह सकते हैं कि जो आप कर रहे हैं उतने से कुछ नहीं होने वाला या उस चीज़ से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, वो आपके लिए नथिंग है। और अगर आप अगर हीलिंग करेंगे, मेडिटेट करेंगे और लंबी गहरी सांस लेते हुए यूनिवर्स में आस्था लगाएंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, जो आप सोच रहे हैं जिसका आपने मन बनाया हुआ है उसके अनुरूप आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। मतलब अच्छे चेंजेस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं हीलिंग, क्योंकि हील करेंगे अपने आप को, मेडिटेट करेंगे, यूनिवर्स में आस्था लगाएंगे तो यूनिवर्स ही आपको गुड मैसेजेस देंगे। उनकी तरफ से जो आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, तो उसकी वजह से अपने आप को में आप काफ़ी अच्छा चेंज पा सकते हैं। जो आपने सोचा है कहीं उससे भी बढ़कर आपको रिजल्ट मिल सकता है। कई लोग पूछते हैं हीलिंग क्या होती है, मेडिटेशन क्या होती है। हीलिंग मेडिटेशन आप भगवान में ध्यान लगाना, थोड़ा सा पूजा पाठ करना, जिस भी देवी देवता को जिस इष्ट को मानते हैं अपने को, और बैठकर थोड़ा सा मन शांत करते हुए यूनिवर्स में लगाना, वो एक हीलिंग या मेडिटेशन होती है। तो देखते हैं यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। गाइज मेरी आवाज़ बिल्कुल ही निकल रही है, कल एक छोटा सा फंक्शन था तो गला बैठ चुका है। जी आपका ये सप्ताह कैसा रहने वाला है, तो कार्ड्स आए हमारे एज ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये इमोशंस है लव लाइफ के लिए, जॉब बिजनेस के लिए, उसके लिए। तो अगर आप सामने वाले से, जहां आप जॉब बिजनेस करते हैं या आपके जो है लव लाइफ है, तो अगर आप डिटैच नहीं बनते, कोल्ड नहीं बनते, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, सामने वाले के बारे में भी सोचते हैं और वो सोच विचार करके डिसीजन लेते हैं, वहाँ आप एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करते हैं। बिना इमोशंस में बहे, फ्लो के साथ चलते हैं, तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं कि अगर यूनिवर्स जी जो आपको अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए मैसेज दे रहे हैं,
उस पर अगर आप वर्कआउट करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, तो धीरे धीरे करके चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं। एक अच्छी जॉब, बिजनेस जहां आपका काम रुका हुआ है वो भी बन सकता है। और लव लाइफ के लिए ये मेनली जो कप्स के कार्ड होते हैं वो लव लाइफ के लिए होते हैं, तो आपका प्यार अगर रुका हुआ है वापस मिल सकता है, नए के लिए सोच रहे हैं वो मिल सकता है। जो भी आप जिसके लिए भी आप एनर्जी एफर्ट लगाएंगे और जो रिश्ता आपका टूट चुका है फिर से अगर आप उस पर वर्कआउट करेंगे, यूनिवर्स जो मैसेज दे रहे हैं उसको फॉलो करेंगे, तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम फेम, सारी चीज़ें उसे वापस मिल सकती हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, सामने वाले के बारे में भी सोचना है। जो काम रुक चुका है वो आपका पूरा हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं एंजल मैसेजेस क्या हैं, यानी कि एंजल जी आपके लिए क्या आंसर दे रहे हैं। प्लीज़ अपनी आंखें बंद कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और अपना क्वेश्चन 3 बार अंदर ही अंदर अपने दिमाग में, अपने माइंड से दोहराइए, अंतरात्मा से पूछिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। क्लियरली क्वेश्चन कीजिए, इसके लिए 10 सेकंड का समय है। अब आपका समय पूरा हुआ, आंखें खोलिए और जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। इन द नियर फ्यूचर कम्युनिकेट क्लियरली हेल्पफुल पीपल। तो जो आपका क्वेश्चन है एंजल जी, आपको आंसर देना चाहते हैं कि अगर आप के जो अराउंड हैं लोग, अगर आप उनकी मदद लेंगे या उनकी मदद करेंगे तो जो है क्लियरली, मतलब जो चीज़ आप अकेले नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें आपको खुलकर बातें करनी है, खुलकर एक दूसरे की मदद लेनी है। अगर मदद देना चाहते हैं मदद दीजिए, मदद लेना चाहते हैं तो मदद लीजिए। अगर वो सब आप करते हैं तो जल्दी ही, इन द नियर फ्यूचर जल्दी ही आपका काम बन सकता है। फिलहाल के लिए जो काम नहीं बन रहा है वो काम करने के लिए, कहने का मतलब है कि वो काम करने के लिए आपको जो आपके इर्द गिर्द हैं, जिसको आप अपना मानते हैं, उनकी मदद लेने की आपको ज़रूरत है। शायद हो सकता है कि उनकी मदद के बिना आपका काम पूरा ना हो। जो चीज़ जिस चीज़ में कन्फ्यूज़न है, जिसमें आप उलझे हुए हैं, क्लियरली बातें कीजिए, कन्फ्यूज़न को दूर कीजिए, वो डाउट क्लियर कीजिए, आपका काम नियर फ्यूचर में बहुत जल्दी हो सकता है। जल्दी ही मतलब आपका काम पूरा होगा, लेकिन उसको चीज़ों को क्लियर करना होगा और आगे बढ़ना होगा। बिना मदद के आपका काम पूरा नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, फिर अपने वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जिसके साथ आंसर मैच कर रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।